अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू studyhigh.pk एंड सब्सक्राइब कीपिंग कॉन्टैक्ट फॉर मोर वीडियोस अबाउट एजुकेशन यूनिट टेस्ट लेक्चर्स हेल्पिंग मटेरियल एडमिशन इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज etc. आज हम बात करेंगे नम्स एमडी कैट के सेशन में डिफिकल्ट फिजिक्स एमसीक्यूज इन नम्स एमडी कैट 2018। इससे पहले हम नम्स एमडी कैट 2018 में बायोलॉजी के पोर्शन में डिफिकल्ट एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, आज हम फिजिक्स के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, When two bodies move towards each other with constant speed, the distance between them decreases at the rate of 6 meters per second. If they move in same direction, the distance between them increases at the rate of 4 meters per second. Calculate their velocities. दो bodies हैं जो कि अगर एक दूसरे की तरफ move करें तो उनके दरमियान जो distance है वो 6 meters per second की velocity से decrease हो रहा है। अगर दोनों same direction में move करती हैं तो उनके दरमियान जो distance है वो 4 meters per second के हिसाब से increase हो रहा है। हमने दोनों की वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे एमसीक्यू क्या करते हैं, ये लेंथी होते हैं, तुलबा इनको जल्द समझ नहीं पाते और इनका लेंथी होना ही इनकी डिफ़िकल्टी के लिए काफ़ी है। यानी आपके पास 40 सेकंड है इनको सॉल्व करने के लिए। आपने बायोलॉजी केमिस्ट्री इंग्लिश में ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी एमसीक्यू आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे एमसीक्यू बाद में यकदम आपके सामने आ जाएँ तो फिर आप परेशान हो जाते हैं तुलबा के, अभी वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी पढ़ा हुआ है, उनका माइंड फिर काम करना छोड़ देता है। आपने सबसे पहले अपने माइंड को हर हाल में रिलैक्स रखना है, ये एमसीक्यू डिफ़िकल्ट नहीं होते। तो सबसे पहली बात, इस तरह के एमसीक्यू जब भी आएंगे, यूएचएस में आए, नम्स में आए, कहीं भी आए, इनको सॉल्व करने का आसान तरीका होता है रिलेटिव वेलोसिटी। जिसको रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक आता है उसके लिए ये ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे फ़र्ज करें ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ मूव करें तो डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज़ होता है। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करें तो डिस्टेंस इनके दरमियान इंक्रीज होता है। इसका मतलब एक ही वेलोसिटी दूसरे ज़्यादा है। तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम ऐड कर देते हैं v1 + v2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वो दूसरे को उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास। फर्ज करें दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बाइक हैं, दो कार हैं जो कि इक्वल स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। ये भी एक एमसीक्यू है, ये भी आपने माइंड में रखना है कि दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इक्वल स्पीड से उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो v1 + v2 ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। यानी v1 की वेलोसिटी, v2 की वेलोसिटी, ये दोनों ही मिलकर जो डिस्टेंस है उसे 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज करवा रहे हैं। लेकिन जब ये सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, फर्ज करें v1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, v1 - v2 4 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने के डिफरेंट प्रोसेस भी हो सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो v+v2 - v2 ये दोनों कैंसिल हो देंगे, 2v1 = 10 मीटर पर सेकेंड। तो v1 हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और v2 निकालना है, इधर v2 निकालना है इधर से, इसकी वैल्यू 5 इधर जाएगा -5, v2 हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके अलावा तुलबा कॉमन सेंस को भी यूज़ करके ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज करें वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है उनकी वेलोसिटी इक्वल तो नहीं है, अगर इक्वल होती तो डिस्टेंस ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज होता, तो ये ऑप्शन तो गया। इस तरह से प्रॉब्लम थी ए में सी में मेजर प्रॉब्लम। दूसरा पैसे भी देख सकते हैं कि अगर एक की वेलोसिटी 5 है दूसरे की 1 है तो जाहिर बात है सेम डायरेक्शन मूव करें तो डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तब इंक्रीज होगा जब दोनों को आप माइनस करेंगे। एक ही 4 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा होगी तो इसलिए डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अगर इस तरह से 4-5 एमसीक्यू एक ही पेपर में आ जाए जो कि काफ़ी लेंथी हों, तुलबा को ऐसे एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो दूसरा डिफिकल्ट एमसीक्यू था 2 कैपेसिटर्स C1 = 6 माइक्रोफेरेड एंड C2 = 12 माइक्रोफेरेड और इन सीरीज अक्रॉस ऑफ 100 वोल्ट डीसी सप्लाई, कैलकुलेट द चार्जेज ऑन C1 C2। तो ये हमारे पास 2 कैपेसिटर सीरीज में है, वोल्टेज ये है, आपने इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके ऑप्शन डिफरेंट आपके सामने हैं। तो इसमें एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसा कि सीरीज़ में आपने देखा कि जो चार्जेस होते हैं वो सेम होता है, सीरीज़ में चार्ज सेम होता है,
तो इसके लिए आप सिंपली ये देख सकते हैं कि इनमें चार सेम कोन्स हैं, 720 720 दोनों सेम है। इस तरह से भी आप तुक्का मार सकते हैं अगर टाइम बहुत ही कम हो, लेकिन इसे हम टेक्निकल तरीके से भी सॉल्व करेंगे। C1 C2 के सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करते हैं, उसके बाद हम इसको ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है उसको मालूम करेंगे। हमें पता है कि जो उनका रेजिस्टेंस में सीरीज में ओवर हिसाब होता है, जो उनसे कैपेसिटर होते हैं उनमें ओवर प्रोसेस होता है। कैपेसिटर में सीरीज में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को जो मालूम करते हैं 1/C(C1)1/C(C2)1/C1(6)1/C2)12, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा और C(C)4 µF। ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस। हमने मालूम करना चार्ज, तो चार्ज ओवरऑल हम मालूम करेंगे तो वो आएगा 720 µF। सो हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज है वो है 720 µF। और आपको ये पता है कि सीरीज में चार्ज क्यों के सेम होता है, एक कैपेसिटर हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दोनों के ऊपर 720 µC ही चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस इफ द टेंपरेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 K टू 800 K विद नो चेंज इन वॉल्यूम। अब इस एमसीक्यू में ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं है, इसमें मैंने छोटा सा वैसे हाईलाइट किया है। अक्सर मैंने पेपर में देखा है कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से कुछ ऑप्शन बोल्ड लेटर में आ जाते हैं या फिर वो ज़्यादा हाईलाइट हुए होते हैं। तुलबा को जब टाइम नहीं होता वो तुक्का मारने के लिए, उन्हें जल्दी में टिक कर देते हैं, शायद यही करेक्ट है इसलिए बोल्ड हुआ पड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। सो जो प्रेशर है वो हमने मालूम करना है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा 200 K से 800 K तक। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बुक में बहुत ही कम डिस्कस है, इसलिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। P1/T1 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू P2/T2। इनके दरमियान P1/T1 कहाँ पे है, P2/T2, इनकी पोजीशन को आपने नहीं बोलना। P1/P2, ये P2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहेगा इधर, इज इक्वल टू T1/T2। तो हमने मालूम करना है ओवरऑल इंक्रीज क्या आ रहा है, P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1, तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी P2 इज इक्वल टू 4P1। जो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज बाय फैक्टर 4, ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी तुलबा को करवा दिया कि आसान भी आते हैं। 3 resistors of 6 ohm each can be connected in all the possible ways. The highest value of resistance was obtained by. तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको मैंने इसलिए लिया है, उन 2 3 4 रजिस्टर बताए होते हैं, उनमें क्या होता है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ओवरऑल रजिस्टेंस क्या पॉसिबल है। इस हिसाब से कैपेसिटर के फॉर्म में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या आ सकती है और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। सो इस तरह से एमसीक्यू जैसा कि पास्ट पेपर में आए हैं, नम्स में भी आते हैं, UHS में भी आते हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। जाहिर बात है 3 resistors हैं 6 ohm के, इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगी 6+6+6 18। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फिर लोवेस्ट हमारे पास जो आती है पॉसिबल है वो है ए ऑप्शन 2। तो इस तरह से हाईएस्ट और लोवेस्ट इन दोनों का आपने हिसाब रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन आइडियल गैस हैज अ वॉल्यूम वी एट 27 degrees एंड इट इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1.5 V, देन द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर इज 327 K, 873 K, 177 degrees centigrade या 600 degrees centigrade। हमारे पास वॉल्यूम वी है एट 27 degrees centigrade, लेकिन टेम्परेचर हमने हीट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया 1.5 V। फाइनल टेम्परेचर हमने मालूम करना है, टाइम है आपके पास 40 सेकंड में आपने सॉल्व करना है, आप कैलकुलेशन काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। इसमें सिंपली आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, V1 = T1 = V2/T2। सिंपली हमने मालूम क्या करना है, T2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, V1 T2 = V2/T1। डायरेक्ट आपने ये फार्मूला लिखना है, V T2 = 1.5 V × T27 degrees है, इसे हमने केल्विन में कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 300 K। तो T2 हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमने पता है कि जो V2 है वो 1.5 V है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। जैसा क्वेश्चन में आपने देखा जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट किया, तो V चेंज हो गया V 1.5 V में, इसमें इतनी इंक्रीज आ गई। सो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, V2 = 1.5 V, V से कैंसिल हो जाएगा, T2 = 1.5 × 300 K, 1.5 मल्टीप्लाई होगा 300 से हमारे पास 450 K, लेकिन इनमें ऑप्शन में तो 450 K कहीं भी,
तो यहाँ आकर तलबा कन्फ्यूज़ होते हैं कि इनमें तो 327 केल्विन है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, 873 है, लेकिन 450 केल्विन वो तो नहीं है। आपने फिर 450 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। जब आप इसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में 177। सो सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आज हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू जो कि पॉसिबल हैं वो नम्स में आते हैं उनको डिस्कस किया, कैपेसिटेंस में से, रेजिस्टेंस में से, इसके अलावा रिलेटिव वेलोसिटी जो कि बहुत ही अहम है। वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब study high.pk टू कीप इन कंटेक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।